नमस्कार दोस्तों, मैं रामकाल से। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं कि दूध डेयरी और दूधिया में दो सबसे बड़ा अंतर सामने आता है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को काफी नुकसान देखने को मिलता है, जिससे उन्हें घाटा भी हो जाता है। तो वो सबसे बड़ी जो दो कारण होती हैं वो क्या हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अन्य और वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम कारण की बात करेंगे जिससे हमारे पशुपालक किसान भाइयों को काफी नुकसान देखने को मिलता है। उनके पास कितना भी दूध हो, लेकिन ये जो पहला कारण हम आपको बताने जा रहा हूं, इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान होता है। पहला कारण है, जैसे कि आप जानते होंगे कि दूध डेयरी में रेट कितना भी ज्यादा हो, कब जो है कितना कम हो जाए, कितना नीचे रेट चला जाए, कितना डाउन हो जाए रेट, कोई कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, कोई पक्का गारंटी नहीं है कि कितना कम हो सकता है। इससे हमारे किसान भाई काफी प्रभावित और परेशान हो जाते हैं। अगर हम दूधिया की बात करते हैं तो दूधिया में क्या है, ऐसा नहीं है, वहां पर सिर्फ रेट बढ़ता है। अगर वो बढ़ जाता है तो घटता नहीं, कितना भी दिन हो जाए, कोई भी परिस्थिति सामने रहे। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है गांव इलाकों में कि जो दूधिया दूध लेते हैं, अगर एक बार रेट बढ़ गया है, कि मान लीजिए फिक्स कर दिया कि 35 रुपए में भैंस का दूध लिया जाएगा, तो 35 रुपए में ही भैंस का दूध लेते हैं। गाय का फिक्स हो गया 28 रुपया लीटर दूध लिया जाएगा, तो 28 रुपया लीटर ही दूध लेते हैं। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो यह है कि दूध डेयरी में आपके पास कितना भी दूध हो, अगर आप समय से 1 मिनट लेट पहुंचे तो आपका दूध छूट जाता है, फिर आपको वही दूध नुकसान जाएगा, घाटा जाएगा, फिर वो नहीं लेते, गाड़ी गई तो फिर खत्म बात। और दूधिया में क्या है कि वो खुद जो है आपके घर पर आते हैं, जो भी आपका दूध है मापते हैं और ले जाते हैं, उसमें छूट जाने का ऐसा कोई भय या खतरा नहीं रहता जिससे किसान भाइयों को नुकसान जाए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच करना।